ଝିଅର ବାହାଘରରେ ବାପା କଲେ ବାଜାପାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବରଯାତ୍ରୀ ପ୍ରସେସନରେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରସେସନର ବାଜାପାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ବରଯାତ୍ରୀ ପ୍ରସେସନରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁଅଘର ପକ୍ଷରୁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଝିଅର ବାପା ବେଶ ଖୁସିର ସହ ନିଜ ଝିଅର ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସେସନର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁର୍ଦାବାଦରେ ଏପରି ଏକ ନିଆରା ବାହାଘର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉଭୟ ପରିବାର ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଝିଅ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବିବାହ ହେଉଛି ଉଭୟ ପରିବାରର ଖୁସି। ବାପାଙ୍କର ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। मैं काफ़ी एक्साइटेड थी जब पहली बार मैंने पापा के मुंह से सुना कि बेटा हम तुम्हारी घुड़चढ़ी करना चाहते हैं, तो काफ़ी खुशी हुई। पापा का कहना ये था कि 27 साल पहले जब आप पैदा हुए थे तब इतनी मतलब इतने ढोल नगाड़े ये सब नहीं हो पाया था, तो मैं उस गलती की भूल को अपना अब हटाना चाहता हूँ और अब करना चाहता हूँ जो भी मेरा मन में था, तो इस वजह से पापा ने करा। तो कल कितनी खुशी थी, क्या मैसेज देना चाहिए? और मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि लड़के ही ये सब कर सकते हैं, लड़की और लड़का दोनों में समानता रहनी चाहिए, दोनों में खुशी होती है। तो मैं बस मेरे पापा एक प्रेरणा बनना चाहते हैं आगे की सभी लड़कियों के लिए वुमेन्स पावर के हिसाब से कि कोई भी अपनी खुशी कर सकता है हर तरीके से। ଏହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଝିଅମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମାନତା ଅଧିକାର ରହିବା କଥା ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପୁରା ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିଏ ମୁଁ ଆପଣ ବେଟି ପେ ବହୁତ ନାଜ ହେ କି ମେରି ବେଟି ନେ ଏସ୍ ପୁରେ ଯୋ ସମାଜ କୁ ଆଗେ ବଢ଼ାନେ କେ ଲିଏ ସମାନତା କା ଅଧିକାର ବେଟି କୁ ଦେବାନେ କେ ଲିଏ ଯୋ ମେ ଚାହତା ଥା ଉସମେ ମେରି ବେଟି ନେ ପୁରା ସହଯୋଗ କିଆ। इसके लिए समाज को निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी और समाज को एक नया कुछ करने की सीख मिलेगी, जिससे कि समाज में जो कुरीतियां हैं, जो रूढ़िवादिता है, वो समाप्त होगी। तबे से कहि जंती यह द्वारा निश्चित भावे समाज को किछि नुआ करिवार प्रेरणा मिलिबो। एपरि एको नियारा बाहागर को नै विचारियाडे बेस चर्चा हेबारे लागिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, Argus News।